अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इसमें जो है वो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई, यानी कि हमने इसको छोटी से छोटी फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है 2 - 8 के ऊपर पावर 4। हमने सबसे पहले क्या करना है, 4 पावर को ब्रेक करना है स्क्वायर की टर्म्स में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर की टर्म्स में इसको ब्रेक कर दिया, 2 2 4। हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 4। तो इस तरह से हमने उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब हम देख सकते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं फॉर्मूला के, स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, होल स्क्वायर का a² - 3b + b². यहाँ पर हम इसको, यहाँ ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, क्या हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अच्छी, जो बाहर वाला स्क्वायर था नहीं, हमने एज इट इज लगा रहने दिया, क्योंकि आगे जाके हमने इसको दोबारा से इसी फॉर्म में जो है वो ओपन करना है। तो हमने यहाँ पर देख लीजिए, प्लस आयोटा स्क्वायर आ गया, इस आयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया हमने -1। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आया। अब इसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो इस वजह से हम दोबारा से यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -7 - 24 आयोटा बाय अप्लाइंग आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब इसका सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है, क्योंकि इसको सिर्फ स्क्वायर टर्म्स में ही दिया हुआ है, इसको हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देना है। हमने फॉर्मूला लगा दिया तो देख लीजिए, यहाँ पे इवन पावर थी, इसलिए अंदर का माइनस कैंसिल हो गया है, माइनस माइनस प्लस होकर प्लस आ गया है, एंड स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया, एंड सिंगल टर्म्स को हम +-2 भी होगा वो कर देंगे, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास बस बीच बीच में हमारे पास इसके प्लस लगा हुआ है, तो हम इसमें प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, अंदर का माइनस कैंसिल हो गया है क्योंकि बाहर इवन पावर थी, यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है, स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह हमने -1 लगा दिया, देन हमने सिंगल टर्म्स को प्लस माइनस कर दिया जो हो रहा था यहाँ पर, और फिर हमारा फाइनल आंसर ये आ गया।